आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। थावे थाना के कबिलासपुर बाजार पर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई महावीर आखड़ा, जिसमें चार आखड़ा समितियां शामिल हुई। हाथी, घोड़े, गाजे बाजे व लाठी डंडे के साथ निकाली गई महावीर आखड़ा, जिसमें युवक बुजुर्ग अपनी शौर्य प्रदर्शन व कर्तव्य दिखाए। दोपहर के बाद अमेठी खुर्द, अमेठी कला, इंदरवा एवं कबिलासपुर से महावीर आखड़ा निकाली गई। सभी आखड़ा का मिलान हुआ पुलिस प्रशासन की देखरेख में कबिलासपुर बाजार पर हुआ। इस दौरान आखड़ा में शंकर, हनुमान, पार्वती की झांकी निकाली गई, जो पूरे मेले में आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रशासन के द्वारा महावीर आखड़ा का ड्रोन कैमरे व वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। सड़क के किनारे मिठाइयों की दुकान सजी थी। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में 10 थानों की पुलिस तैनात रही। इस दौरान अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार, SI पिंटू कुमार, महेंद्र कुमार सिंह, नीरज पांडे, पंकज कुमार, सुलेंद्र नारायण सिंह, धीरज कुमार, भगवान प्रसाद यादव, प्रशांत कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। थावे थाना क्षेत्र की विदेशी टोला में ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ढाला के नजदीक मोटरसाइकिल चोरी करते हुए चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने इस चोर की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग आरोपी से नाम, पता और घटना की जानकारी ले रहे हैं, जिसमें इसके भी दो सहयोगियों से बात सामने आ रही है। इसके द्वारा पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी बात आरोपी वायरल वीडियो में कबूल कर रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पहचान को लेकर बताया है कि उसका गांव थाना क्षेत्र के बड़की बरारी गांव का रहने वाला मनन शुक्ला का पुत्र उज्जवल उर्फ बजरंगी है। फिलहाल थावे थाना की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इसे पूछताछ कर रही है। लोगों ने बताया कि आरोपी नशे का आदि लग रहा था और इसकी उम्र भी काफी कम है, परंतु नशे की लत की वजह से ये अपराध की दुनिया में जा रहा है। जिस तरह से जिले में बहुत सारे कम उम्र के किशोर और युवाओं में विभिन्न प्रकार के नशा का प्रचलन हो गया है, ये हमारी भावी पीढ़ी को कमजोर कर रहा है। इस पर सरकार के स्तर से भी कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, अन्यथा कई प्रकार के नशा का इजाद कर युवा पीढ़ी दिशा विहीन होती हुई गलत रास्ते पर जा रही है और ये काफी चिंता का विषय है। इसराफिल मास्टर की दो महीना पहले टूट के लड़े गाड़ी लिया के देते रहन। हाँ ठीक बा, और अपन मोबाइल हम बेच लेबानी। तीन जना बालू अलग टीम टीम बना के तुरु में और आदमी बड़े बाप के का नाम मनन शुक्ला, तोर नाम का है उज्जवल उज्जवल बजरंगी। अच्छा, घर कहाँ? बरारी। कौन बरारी? बल्की बरारी। अच्छा, शुक्ला जिले में का हुआ? तो ये करम बटरा सब जने मिल के लात तो लगा के पर पंडित था शुक्ला काहे कोई रहा 50 बार कहले करे। माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवई गांव के पास एक टोलवा में सोमवार की देर रात एक मकान में चोरी की घटना सामने आई है, जहां मकान के मालिक महमूद मियां के पुत्र अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाकर छत पर सो रहे थे। इसी दौरान उनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने घर के अंदर से दो मोटरसाइकिल और लड़की की शादी के लिए खरीदे गए कपड़े तथा अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली। सुबह जब परिजनों की नींद टूटी और छत के नीचे उतरे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और मोटरसाइकिल सहित कीमती सामान गायब हो गए थे। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोग स्तब्ध रह गए।
वहीं इस घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस इस मामले की अनुसंधान में जुट गई। गाड़ी ये थी भोजपुरी का नाम होता है बाबू जी का नाम भूला नहीं का भोल बा जी तारा लोग ये जी ना रहो अच्छा गाड़ियों चोरी भूलवा कौन पंचायत हो कुजैकुट थाने में जब्त 20,65,000 रुपए के साथ हिरासत में लिए गए तीन युवकों को पूछताछ के बाद सोमवार को देर शाम छोड़ दिया गया। जब्त किए गए रुपयों के बारे में इनकम टैक्स विभाग जांच पड़ताल के बाद आगे निर्णय करेगा। आयकर विभाग ने संबंधित व्यवसायी को अपना पक्ष रखने को कहा है। विदितों की रविवार की देर रात कुजैकुट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बघोस नहर पुल के पास वाहन जांच के क्रम में कटिया से गोपालगंज जा रही एक मैजिक पिकअप के चालक के पास से 20,65,000 रुपए बरामद किया था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पिकअप को जब्त करते हुए पिकअप सवार तीन युवकों को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में इस बात की जानकारी लगी कि जब्त रुपए एक व्यवसायी के थे। रुपए के संबंध में कोई ठोस कागजात नहीं दिए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले की जानकारी आयकर विभाग से बातचीत के बाद हिरासत में लिए गए तीनों युवकों को पीआर बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष साक्षी राय ने कहा कि पिकअप सवार लोगों से बरामद रुपए के बारे में आयकर विभाग के मुजफ्फरपुर कार्यालय को सूचना दी गई थी। आयकर विभाग ने इस संबंध में व्यवसायियों को समन जारी किया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड लेकर छोड़ दिया गया। जब्त किए गए रुपयों के संबंध में आयकर विभाग निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करेगा। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। एडू हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। थावे दुर्गा मंदिर स्थित जंगल के चारों तरफ से चार दीवारी करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि बाउंड्री कराने के बाद जंगल में दो मेन गेट लगाया जाएगा। ये कार्य वन विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे जंगल क्षेत्र का मापी कराकर सीमांकन कर दिया गया। श्री रजत कुमार बनवाल ने बताया कि पूरे जंगल क्षेत्र का मापी कराया गया, जिसमें तीन अमीन को लगाया गया था। तीनों अमीन के द्वारा जंगल के 31 एकड़ 20 डिसमिल क्षेत्र का मापी कराया गया, जो दिन भर चला। सीओ ने बताया कि मापी के दौरान जंगल क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा घर या बथान बना लिया गया है। चारों तरफ से ये सीमांकन कर इसका रिपोर्ट वन विभाग को सौंप दिया गया है। वन विभाग द्वारा जंगल के चारों ओर से घेराबंदी कराई जाएगी। वहीं DFO पंकज कुमार ने बताया कि बहुत जल्द ही जंगल के घेराबंदी का कार्य शुरू किया जाएगा। जंगल परिसर में किसी भी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसे प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा। भोरे प्रखंड के मिश्रौली गांव के पास से होकर गुजरने वाली नहर के पानी के प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में घुस जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अपने कार्य के सिलसिले में मनरेगा कार्यालय आने वाले आम लोगों के साथ ही कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं रहने से
परिसर में ही पानी जमा है। इससे लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। जल जमाव से परिसर में बिखरा कूड़ा कचरा और जमा पानी सड़ने लगा है। इससे लोगों को डेंगू के पांव पसारने की चिंता सताने लगी है। इस संबंध में गंडक प्रमंडल भोरे के कार्यपालक अभियंता संजय प्रसाद ने बताया कि किसानों की मांग पर पहले नहरों में अधिक पानी छोड़ा गया था, लेकिन पिछले सप्ताह हुई बारिश से किसानों की पानी की मांग एकाएक घट गई, जिससे पानी उपला कर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में चला गया होगा, लेकिन अब पानी का बहाव काफी कम कर दिया गया है। बीते शनिवार को कटिया पुलिस की कस्टडी में हुई उत्तर प्रदेश के युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा थाने पर किए गए पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो फुटेज के आधार पर भीड़ में शामिल लोगों के विरुद्ध स्थानीय थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। विदितों की गत शनिवार को शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए उत्तर प्रदेश के तमकुही राज थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर बुजुर्ग निवासी 26 वर्षीय पंकज कुशवाहा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद देर शाम आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर आरोपी से मारपीट करने तथा समुचित इलाज नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए थाने पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस को उग्र भीड़ से बचने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग भी करने पड़े थी, हालांकि पुलिस ने हवाई फायरिंग की पुष्टि नहीं की थी। बहरहाल थाने पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास, शांति भंग करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने सहित कई विभिन्न संज्ञेय धाराओं में 22 नामजद तथा 400 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। कटिया थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी में अंकित जायसवाल, अतुल जायसवाल, श्रवण मदेसिया, सौरभ केसरी, नागमणि चौबे उर्फ आर्यन चौबे, अनिकेत मदेसिया, सज्जन कुमार, राजू जायसवाल, सचिन अग्रहणी, आयुष अग्रहणी, पालुस उर्फ सुनील जायसवाल, प्रेम यादव, विकास यादव, बुलेट शर्मा, शिवम कुमार, अखिलेश यादव, पिंटू गुप्ता, अर्जुन मदेसिया, वशिष्ठ मदेसिया, अंकित बर्नवाल, संदीप चौरसिया तथा वीरेंद्र शाह के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 400 लोगों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।